चौधरी देवीलाल की आत्मा जरूर योगी जब दुष्यंत सिंह इस प्रकार की बात करता है, क्योंकि अगर जेजेपी समर्थन वापिस ले ले जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरते ही हरियाणा प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगा। अगर लीडर मीटिंग ना बुलाए तो डिप्टी लीडर या चीफ व्हिप मीटिंग बुला करके और ये फैसला कर दे कि हम 6 विधायक अलग हैं या 8 विधायक अलग हैं, ये 2 अलग हैं, तो हम नेता बदल दिया तो नेता बदला जाएगा और नेता बदल करके अपना समर्थन वापिस ले ले, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आ रही है, ये लोग जो हैं जेजेपी के, जो आप उनको बागी भी एक तरह से कह सकते हैं, वो बयानबाजी तक हैं, वो धरातल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई, कोई इस तरह की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ एक बयान जरूर दिया गया कि हम नेता बदल सकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स ज्यादा लगती हैं, धरातल पे सच्चाई मुझे कम नजर आती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? धन संग्रहालय करने के लिए सारा ये सब कुछ ईमान बेच दिया, जमीन। दुष्यंत चौटाला ने जयप्रकाश जी आज कह दिया 4 साल और धड़ल्ले से सरकार चलेगी, पूरी ठाट से चलेगी। दुष्यंत चौटाला तो पता नहीं क्या कह देगा, पता ये लगेगा कि इसके विधायक अभी 5-4 दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जेजेपी के साथियों को विशेष तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं सर्वेश के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है मित्रों, आप ऐसे व्यक्ति से पीछा छुटवा लो जिसने मतदाताओं के सम्मान को बेच दिया, मतदाताओं को बेच दिया, उनके चुने हुए जेजेपी के विधायकों को बेच दिया। दुष्यंत चौटाला मेन टारगेट पे थे बनिस्पत बीजेपी के, हमने लोगों से पूछा भी था और लोगों ने ये कहा कि बीजेपी से तो पहले उम्मीद नहीं थी, दुष्यंत से जरूर उम्मीद थी। दुष्यंत सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं, वो ये कैसे कह सकता है कि बिल ठीक है? अगर बिल ठीक है तो फिर खुल्लम खुल्ला समर्थन करे, खुल्लम खुल्ला कहे लोगों को, उसका भाई जाकर के किसानों से माफी क्यों मांगता है? जब किसानों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी, दुष्यंत सिंह चंडीगढ़ की कोठी में ठंडी थार में सो रहा था। एक सवाल और आ रहा है कि आज ये देश का मुद्दा है, किसान देश का, आपने देखा कोरोना के अंदर अगर किसी ने अर्थव्यवस्था को संभाला हिंदुस्तान की तो वो किसान है, सभी लोग बात भी करते हैं, लेकिन आज देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चलती है मुंबई की, कंगना रनौत की खबरें चल रही हैं या फिर एक डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनको लेके आज खबरें प्राइम टाइम पे यही खबरें चल रही हैं, किसान की बात ही नहीं हो रही है, एक दो चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो। ये क्या हो रहा है, मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रही? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। तकनीकी खराबी थी इसलिए दोबारा से हम लाइव आ रहे हैं और इस वक्त पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है कृषि बिल को लेके। राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है और हरियाणा में आज इसी बिल के विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया, हाईवेज पे जाम लगाए हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकमत पोस्ट पर। धन्यवाद जी। सर, आज काफी जगहों पे, यूं कहिए कि पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवेज पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाम लगाए गए, किसानों की तरफ से मुद्दा वही था 3 अध्यादेश वाला और वो बिल अब पारित हो चुका है, पास हो चुका है, कानून उसको बना दिया गया है। और दूसरी बात ये थी, ये खास बात जो रही हरियाणा में खास करके, हालांकि पंजाब में तो अकाली दल ने इसको कंट्रोल कर लिया था, इस्तीफा दिया हरसिमरत ने, लेकिन हरियाणा में दुष्यंत को लेके टारगेट्स की जा रहे थे और आज भी ये देखा गया कि जेजेपी के नेता और हरियाणा की सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को खास टारगेट पे लिया गया, उनके खिलाफ में नारेबाजी हुई। बीजेपी की कम हुई है, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ में नारेबाजी ज़्यादा हुई है, डट के विरोध हुआ है, इसके कारण इसकी वजह जानेंगे। सबसे पहले सर, बिल पास हो गया है, अब आगे क्या होगा? देखिए सर्वेश भाई जी, आज जिस तरीके से राज्यसभा में जी ये बिल आया और इसको अपनी मत से पास कर दिया गया जी, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी। मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये किसी के ऊपर पूर्ण रूप से बहस होकर के जी फिर इसका डिवीजन होता है, वोट से फैसला होना चाहिए था, ना कि वॉइस ऑफ वोट से। वॉइस ऑफ वोट या रेज हैंड दोनों होते हैं बेईमानी के अगर बहुमत ना हो, जबरदस्ती सत्ताधारी दल अपना बहुमत का दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके जबरदस्ती पास करवाए। आज का दिन भारत वर्ष के इतिहास में आने वाली पीढ़ियां काले दिवस के नाम से जानी जाएंगी
कि 70 वर्ष के जनतांत्रिक इतिहास में प्रजातंत्र प्रणाली में इस तरह का गलत काम यदि राज्यसभा में या लोकसभा में हुआ है तो पहली बार देश की राज्यसभा में हुआ है। हम सब ने मिलकर के किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर मतदाता ने तो किसी भी दल का हो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसका विरोध करना चाहिए। जहां तक आपने पूछा भाई आगे क्या होगा जी, अब किसान किससे आस लगाए, मतलब अब किस पे भरोसा करें वो? किसानों ने लड़ाई और लंबी लड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें एक अभी लकुना है जी। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है ये स्टेट मैटर है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संघीय ढांचा में स्टेट गवर्नमेंट यदि ना चाहे तो ये लागू हो नहीं सकता। जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने वहां के मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रेजुलेशन डालकर के इसका विरोध कर दिया, तो हमने भी उसी तर्ज के ऊपर नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अर्जेंट मतलब जल्दी सेशन बुलाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को कहा है और हमें उम्मीद है कि इस सेशन को 5-7 दिन में बुलाया जाए। और जब ये सेशन आए तो विपक्ष की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक रेजुलेशन लेकर के आएगी कांग्रेस पार्टी जी। और उस रेजुलेशन में दुष्यंत सिंह इसके सारे 10 विधायक और जो निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे हैं अगर वो इस रेजुलेशन के पक्ष में मतदान कर देंगे सरकार के खिलाफ मतदान कर देंगे तो ये बिल रुक जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा तरीका है। अब ये जो बॉल है ये सारी दुष्यंत सिंह के जेजेपी के पाड़े में है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा नाम जयप्रकाश बार बार लेता है। अब दुष्यंत सिंह ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया था। बहुमत जो बनाया है ये तो अल्पमत ही है, अल्पमत से बहुमत जो बनाया है ये जेजेपी ने बनाया है। तो जेजेपी के लोगों की जिम्मेवारी है कि विधानसभा में इसका विरोध करें और दुष्यंत सिंह समय काल करे क्योंकि ये भी एक उनका घटक है, ये कहे कि भाई अर्जेंट सेशन बुलाओ हम इसका विरोध करेंगे, वरना जनता ने इस पर विश्वास करना चाहिए कि ये कौन परिवार का है, कौन व्यक्ति है जिसने इस प्रदेश के किसान को मजदूर को व्यापारी को इस तरीके से गलत कानून पास कराने में सरकार का साथ दिया है। आज ये सारा का सारा खेल दुष्यंत सिंह और निर्दलीय विधायकों के हाथ में है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है जी, अभी रुक सकता है अगर स्टेट विरोध कर दे तो। जयप्रकाश जी, आज जो आंदोलन हुआ, जो जाम लगे वहां पर, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद और तमाम तरह के नारे लगाए गए। दुष्यंत चौटाला मेन टारगेट पे थे बनिस्पत बीजेपी के, हमने लोगों से पूछा भी था और लोगों ने ये कहा कि बीजेपी से तो पहले उम्मीद नहीं थी, दुष्यंत से जरूर उम्मीद थी, लेकिन अब उन्होंने भी किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा, ऐसा लोगों का ये कहना था। तो आज कुल मिला के टारगेट पे दुष्यंत चौटाला रहे हैं, कांग्रेस की इसमें कितनी भूमिका रही है? कांग्रेस ने तो एक बात बड़ी साफ करी है भाई, कांग्रेस तो जो हमारे हरियाणा के किसान संगठन हैं, हमने किसानों का मजदूरों का व्यापारियों का साथ दिया है। कांग्रेस तो अपनी इंडिपेंडेंट तौर पे कल हमारा 10 बजे हरियाणा प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर हम धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। बिल्कुल, हम अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे लड़ेंगे। आज जो ये बंद था ये हमारे संगठनों का बंद था, जो किसान संगठन है हमने नैतिकता के आधार पर उनकी आवश्यकता के आधार पर सरकार की तानाशाही के खिलाफ समर्थन दिया था और बड़ा भारी आज का बंद कामयाब हुआ। मैं किसान को मजदूर को और आड़ती को मुबारकबाद देता हूं। अब ये देखा जाएगा सर, लोग भी ये कह रहे हैं और खास करके किसान ये कह रहे हैं कि तमाम विपक्ष ने साथ भी दे दिया, उधर केंद्र में आज ये बिल पास हो गया है, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है उनका एजेंडा किस तरफ चलेगा। कांग्रेस ने जैसे आपने बताया कि कल भी वो जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी, धरने देगी या इस तरह का प्रोसेसन निकाला जाएगा, लेकिन उनको आपने एक लकुना बता दिया कि लकुना अभी भी बाकी है। दुष्यंत चौटाला अभी भी ये कह रहे हैं कि बिल ठीक है, किसानों को लाभ होगा, फायदा होगा, इसमें सच्चाई कितनी है? तो कहते हैं ना कि अंधेरे जो इंसान होता है ना, इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, सावण में अंधा हो जाए, तो उसको सारा दिन हरियाली दिखती है। दुष्यंत सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं, वो ये कैसे कह सकता है कि बिल ठीक है? अगर बिल ठीक है तो फिर खुल्लम खुल्ला समर्थन करे, खुल्लम खुल्ला कहे लोगों को, उसका भाई जाकर के किसानों से माफी क्यों मांगता है?
उसका भाई जाकर के ये क्यों कहता है जो पीपली में लाठी पड़ी है वो मेरे परिवार पर पड़ी है, चौधरी देवीलाल के परिवार पर पड़ी है, ये चौधरी देवीलाल का नाम क्यों लेते हैं? चौधरी देवीलाल की आत्मा जरूर होगी जब दुष्यंत सिंह इस प्रकार की बात करता है, क्योंकि अगर जेजेपी समर्थन वापिस ले ले जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरते ही हरियाणा प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होगा। सर आपको पता, हमें भी पता है, बड़ी मुश्किल सत्ता हाथ लगी है, समर्थन वापस लेंगे नहीं, वो चीज़ें तो होंगी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हरसिमरत ने अकाली दल की जान बचा ली है इस्तीफा देके। लेकिन जो उम्मीदें जेजेपी से लगाई जा रही थी, किसान जो कह रहे थे, किसान नेता कह रहे थे, और कांग्रेस भी शायद ये डिमांड करी थी कि जेजेपी से दुष्यंत चौटाला हाथ अपना खींच लें बीजेपी की सरकार से, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। इसके नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि चुनाव, एक बड़ौदा का भी उपचुनाव आना है, बाई इलेक्शन आना है, उसमें रिजल्ट पहले से ही तय था, लग रहा था कि कुछ चीज़ें कांग्रेस के फेवर में हो सकती हैं, और शायद इस आंदोलन के बाद में जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, लाठी चार्ज भी हाल ही में पीपली में हुआ है, और उसके बाद में स्थिति शायद कांग्रेस की मजबूत और भी हो सकती है। एक बार बात उस पर भी कर लेते हैं कि पीपली में जब लाठी चार्ज हुआ तो गृहमंत्री ने कह दिया कि लाठियाँ चली नहीं हैं, जेजेपी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, और भी काफ़ी नेताओं ने कहा जांच होनी चाहिए, और सभी ने लटखाते हुए किसानों को देखा, हड्डियां टूटी हैं, उधर मुंबई में कंगना का छज्जा टूटा था, और इधर कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों की हड्डियां टूटी थी, लठियां बरसी थी, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सरकार की ये हठधर्मिता इसको कहां तक लेके जाएगी? एक विनाश काले विपरीत बुद्धि जो ये देखो, दो गठबंधन हो गए, दो मेले गठबंधन, एक अंकारी और दूसरा बेईमान स्वार्थी। भारतीय जनता पार्टी अंकारियों का दल और जेजेपी स्वार्थियों का दल। जब अंकारी और स्वार्थी लोग मिल जाएं, तो प्रजातंत्र प्रणाली में प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाता है। आज जिस तरीके का नंगा नाच पिपली में हुआ, और शर्म आनी चाहिए विशेष तौर से जेजेपी के नेताओं को, और जेजेपी के नेताओं के साथ साथ चौधरी देवीलाल का जो नाम लेते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला को, दुष्यंत सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जब किसानों पर लाठियां पड़ रही थी, किसान का हमदर्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जैसे उसने वीडियो वायरल देखा कि किसान पर लाठी मारी जा रही है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताया कि या तो इनको फटाफट रैली करने दो, लाठी चार्ज बंद करो, और कल 2 बजे में पीपली में आऊंगा। उसका असर ये हुआ कि फटाफट लाठी चार्ज बंद हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीपली पहुंचे, जब किसानों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी, दुष्यंत सिंह चंडीगढ़ की कोठी में ठंडी ठार में 20 टेम्परेचर में सो रहा था। ये किसानों का अंदर है, लोगों को बताता था ट्रैक्टर पे बैठ के असेंबली पार्लियामेंट में गया हूँ। आज पूछना चाहता हूँ किसान के हमदर्द को जो बार बार देवीलाल जी का नाम लेता था, आज कहाँ खड़े हैं चौधरी देवीलाल की? यही नीतियां थी किसानों को लाठियों से मारो, चौधरी देवीलाल ने यही सिखाया था इनको? नहीं, चौधरी देवीलाल ने कभी ये नहीं चाहा होगा, और उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिस तरीके से छोटे छोटे स्वार्थों में दुष्यंत सिंह ने हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर व्यापारी के ऊपर लाठियां पड़वाई है, ये केवल और केवल सीबीआई से बचने के लिए, आपकी जो दूसरी एजेंसी है इनकी, उनसे बचने के लिए इस तरह का ये ड्रम में भय में और धन के इकट्ठा करने के लिए, धन संग्रहालय होता ना, धन संग्रहालय करने के लिए सारा ये सब कुछ ईमान बेच दिया, जमीर। दुष्यंत चौटाला ने जयप्रकाश जी आज कह दिया 4 साल और धड़ल्ले से सरकार चलेगी, पूरी ठाट से चलेगी। दुष्यंत चौटाला तो पता नहीं क्या कह देगा, पता ये लगेगा कि इसके विधायक अभी 5-4 दिन में, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर जेजेपी के साथियों को विशेष तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं सर्वेश के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है मित्रों, आप ऐसे व्यक्ति से पीछा छुटवा लो जिसने मतदाताओं के सम्मान को बेच दिया, मतदाताओं को बेच दिया, उनके चुने हुए जेजेपी के विधायकों को बेच दिया, तो ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाओ। ये है कौन? 2 माँ बेटा है, 2 बज जाएंगे, 8 समर्थन वापिस ले लो सरकार। लेकिन जयप्रकाश जी, दिक्कत ये है कि जो इनके विधायक हैं 2 को छोड़ के, तो बाकी लोग बोलते हैं और उसके बाद में चुप हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो फिर बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। जनता इस बात को समझ रही है क्या, वो क्यों बोलते हैं, उनको क्या ऐसा हासिल हो जाता है, फिर वो चुप हो जाते हैं, थोड़े वक्त के बाद में फिर बोलते हैं,
राम कुमार गौतम की बात ले लीजिए या फिर टोहाना से देवेंद्र बबली की बात ले लीजिए। हालांकि देवेंद्र बबली ने बड़ा प्रखर होकर पिछले दिनों कहा है कि वो नया नेता चुन सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन राम कुमार गौतम के सुर कई बार बदले हैं, कई बार बिगड़े हैं, तो ये चीज़ जनता इसको देख रही है। हिंसा और गुस्से पर उतारू जनता जी, प्रजातंत्र प्रणाली में जब ये निर्णय ले ले और ये नारा दे दे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो जेजेपी के सभी विधायकों ने और दुष्यंत सिंह ने समर्थन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि दुष्यंत सिंह ने किसान के नाम से, मजदूर के नाम से वोट लिए थे। आज मैं जेजेपी के साथियों से कहना चाहूंगा, अगर ये ना लेता तो आप अपना समर्थन वापिस लीजिए, अपना नेता बदलिए और हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी को आप बचाइए, वरना सब लोग इसमें जुम्मेवार होंगे। दिक्कत ये आ रही है, ये लोग जो हैं जेजेपी के, जो आप उनको बागी भी एक तरह से कह सकते हैं, वो बयानबाजी तक हैं, वो धरातल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई, कोई इस तरह की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ एक बयान जरूर दिया गया कि हम नेता बदल सकते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स ज़्यादा लगती हैं, धरातल पर सच्चाई मुझे कम नज़र आती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, सभी माननीय लोग हैं सब, और कोई जेजेपी के नाम से नहीं चुनाव जीत करके अपने दम पे जीत के आए हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने कईयों को टिकट नहीं दी, अगर कांग्रेस की टिकट मिल जाते तो आज सरकार ही कांग्रेस की होती है, हार जाते इनके उम्मीदवार जेजेपी के। तो ये हमारे पुराने साथी हैं, इनका स्वाभिमान, इनका जोश। सर वो आपके पुराने साथी तो थे जिनको आपने टिकट नहीं दी, जेजेपी ने टिकट दे दी, जीत के आगे देवेंद्र बबली आपसे टिकट मांग रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ, हाँ ये तो हो जाएगा, ठीक ये आएंगे और छोड़ेंगे। चलिए मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये लोग मीटिंग करते हैं या किसी तरह से फ्रैक्शन आ जाता है मामले में, तो कांग्रेस क्या इनको सपोर्ट करेगी, इन लोगों को जो बागी हैं? नहीं देखिए, कांग्रेस की बात एक अलग है। पहले तो इन बागियों ने ये करना पड़ेगा, 10 में से 6 विधायक इकट्ठा होकर के और स्पीकर साहब को एक चिट्ठी लिख दे, क्योंकि मुझे जो डिप्टी लीडर है, अगर लीडर, नियम ये है रूल एंड प्रोसीजर में विधानसभा के, अगर लीडर मीटिंग ना बुलाए तो डिप्टी लीडर या चीफ व्हिप मीटिंग बुला करके और ये फैसला कर दे कि हम 6 विधायक अलग हैं या 8 विधायक अलग हैं, ये 2 अलग हैं, तो हम नेता बदल दिया तो नेता बदला जाएगा और नेता बदल करके अपना समर्थन वापिस ले ले, क्या दिक्कत है। एक सवाल और आ रहा है कि आज ये देश का मुद्दा है, किसान देश का, आपने देखा कोरोना के अंदर अगर किसी ने अर्थव्यवस्था को संभाला हिंदुस्तान की तो वो किसान है, सभी लोग बात भी करते हैं। लेकिन आज देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चलती है मुंबई की, कंगना रनौत की खबरें चल रही हैं या फिर एक डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनको लेके आज खबरें प्राइम टाइम पे यही खबरें चल रही हैं, किसान की बात ही नहीं हो रही है, 1-2 चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो। ये क्या हो रहा है, मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रही है मीडिया? नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया के जो बिग हाउसेजों के हाथ में मीडिया आ गया जी, और आज इस देश के सरमाए के ऊपर इस देश के पूंजीपति लोग कब्जा कर चुके हैं। जिस तरीके से चाहे अंबानी है, चाहे अंडानी है, चाहे दूसरे लोग हैं, आप ही देखिए कोरोना महामारी में किसान ने, मजदूर ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और उसका लाभ किसको, अंबानी को। अंबानी पहला उद्योगपति है जो कर्जा मुक्त हो गया, कर्जा ही नहीं उसके सिर पे, हर व्यक्ति कर्जदार हुआ है। हरियाणा सरकार जो 65,000 करोड़ रुपए कर्जा था, 2,00,000 करोड़ रुपए में हरियाणा कर्ज में डबो दिया और अंबानी जी कहते हैं मैं कर्ज मुक्त हो गया। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कहा, सरकारों की ऐसी कुछ रही है कि वो एनपीए घोषित कर देती है नॉन प्रॉफिट एसेट्स को और फिर वो कर्जा माफ हो जाता है, और लेकिन किसान का थोड़ा सा कर्जा होता है वो पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता, उसको आप ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं। इसीलिए तो हम इन बिलों के खिलाफ है। ये सरकार जो है केंद्र की ओर से प्रदेश की ओर, दोनों सरकारें संपूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। हम सब ने मजहब धर्म जात पात से ऊपर उठ करके निर्णय लेना पड़ेगा कि नारा देना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। उस नारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस के सहयोगी दल लड़ेंगे और हम दिल्ली में प्रदेश में नारा तो सर नारा तो आपने सही दिलाया, नारा पुराना भी है, कामयाब भी है, कारगर भी है, लेकिन ये गुटबाजी जब तक रहेगी आपकी पार्टी की, जाते जाते बात कर लेते हैं, रणदीप सुरजेवाला को हाल ही में एक नया अहदा दिया, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और प्रभार दे दिया कर्नाटक का, उसके बाद जब उनका काफिला निकलता है तो नारा यही लगता है कि अगले मुख्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस में कम से कम ये है,
ये कोई खास बात नहीं है, ये कहना कोई बुरी बात नहीं चलिए है। बिल्कुल ठीक बात है, चलते मुख्यमंत्री चलते तो जिसको फिर बनना से वही बात बनेगा, यही है कि अब पार्टी संसद जिसको में चाहेगी वही बनेगा, विधायक जिसके साथ होंगे वही बनेगा, ये कहना कोई गलत बात नहीं है। और ये रखना भी कोई गलत बात नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या बुरी बात। बिल्कुल। जयप्रकाश जी आप हमसे जुड़े और मुद्दा यही था आज का कि संसद में कृषि बिल पास हो गया, किसान अब किससे आस लगाएं। कांग्रेस कम से कम किसानों के साथ में इस वक्त भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, भले ही दूसरी पार्टियां इसमें खुल के सामने आए ना आए, लेकिन कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे को आगे भी बढ़ाना चाहती है किसानों के साथ लग के। उनको पता है कि सत्ता हासिल करनी है तो किसानों का हाथ, किसानों का साथ बहुत जरूरी है, इसके बगैर सत्ता दूर रहेगी। जब तक किसान साथ नहीं होंगे, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आई है तो किसानों के बगैर नहीं आ सकती थी, ना आई है, तो शायद कांग्रेस ने ये चीज़ समझ ली है। और आने वाले दिनों में जेजेपी के साथ क्या होगा, उनका ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। जयप्रकाश जी आप हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।